गाइस वेलकम बैक। तो ब्रेक के इस पार अब हम बात करेंगे सबसे पहले इंड एएस 36 और एएस 28 के रिवीजन की। अपन लोग क्या करने वाले हैं, आप लोग अपना बुक निकाल के रखो। बुक कौन सा? जो बुक मैंने आपको दिया है, मतलब जो मैंने आपको नोट्स वगैरह दिया है, आप वो निकाल के रखो, शुरू से निकाल के रखो। अपन जल्दी जल्दी क्विकली अपन एक एक जल्दी जल्दी पढ़ते जाएंगे और रिवाइज करते जाएंगे। जो चीजें मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगी वो मैं चार्ट में बनाता जाऊंगा, जो चीजें मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगेंगी वो मैं चार्ट में नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि वही ऑब्वियसली मेरे पास लिमिटेड स्पेस है, तो मैं चार्ट में उतना ही बना पाऊंगा जो इंपॉर्टेंट ज्यादा होगा। चलिए तो शुरू करते हैं AS 28 इंपेयरमेंट ऑफ असेट्स और इंड AS 36 इंपेयरमेंट ऑफ असेट्स। सबसे पहले ये स्टैंडर्ड्स कहां कहां एप्लीकेबल नहीं होते। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे नहीं होते, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स पे नहीं होते, डेफर्ड टैक्स असेट्स पे नहीं होते, इन्वेंट्रीज पे नहीं होते दोनों। इसके अलावा इंड AS 36 बायोलॉजिकल असेट्स पे नहीं होता, अगर वो इंड AS 41 में कवर है तो, ठीक है, अगर वो इंड AS 16 में कवर है तो एप्लीकेबल होगा। 104 कॉन्ट्रैक्ट्स, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में जो असेट अराइज होंगी उन पे नहीं होगा। इंप्लॉय बेनिफिट असेट्स जो अराइज होगी, जिनको हम फेयर वैल्यूएशन करते हैं, उन पे भी नहीं होगा। और नॉन करंट असेट्स हेल्ड फॉर सेल, हेल्ड फॉर डिस्पोजल, इंड AS 105 जो हम आज ही स्टार्ट करने वाले हैं, उन पे भी नहीं होगा, नॉन एप्लीकेबिलिटी। ठीक है, स्पेसिफिकली इंड AS 36 किस पे एप्लीकेबल होगा? सब्सिडरी में जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, एसोसिएट में जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, ज्वाइंट वेंचर में जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, मेरा इन्वेस्टमेंट, मेरे लिए जो असेट है, उस असेट का इंपेयरमेंट मैं इसी स्टैंडर्ड में सीखूंगा। ठीक है, और उसके लिए हमने देखा था कि उसमें इंडिकेशन क्या मिलेगा मुझे, उसमें एक अलग से इंडिकेशन क्या मिलेगा कि मेरा जो ये इन्वेस्टमेंट है वो इंपेयर हो सकता है। उसमें इंडिकेशन ये मिलेगा कि अगर मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इज जल्दी बोलो, मेरे इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है उसको मैं कंपेयर करूंगा मेरी सब्सिडरी के नेट असेट्स वैल्यू से। अगर मेरी सब्सिडरी के नेट असेट्स वैल्यू बहुत ही कम हो चुकी है, मैंने इन्वेस्टमेंट किया था 1 लाख रुपए में अपनी सब्सिडरी में, और मेरी सब्सिडरी की जो नेट असेट वैल्यू है वो है से 50,000, मैंने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था वो है 50,000, तो मतलब यहां पर दिख रहा है कि इंपेयरमेंट हो सकता है। दूसरा, सब्सिडरी कंपनी को मैंने बोला क्योंकि मेरा कंट्रोल है, ज्वाइंट वेंचर में मेरा ज्वाइंट कंट्रोल है, एसोसिएट में मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है 20% से ऊपर, तो इन लोगों से मैंने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करवा लिया। और इन लोगों ने पता है कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया? इनकी औकात भी नहीं है उससे ज्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। मतलब ये लोग लॉस में होते हुए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, या लोग जितने लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं ना उससे ज्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये एक एक कहीं ना कहीं दिख रहा है कि कंपनी की हालत खराब है, जहां से हम अपना पैसा निकलवा रहे हैं डिविडेंड के रूप में, कंपनी से पैसा बाहर निकलवा रहे हैं, इसीलिए हम यहां पर इंपेयरमेंट करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं रिलेवेंट डेफिनेशंस पे। डेफिनेशन से हमने क्या क्या पढ़ा था? कैरिंग अमाउंट क्या होता है? कैरिंग अमाउंट मतलब ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। कैश जनरेटिंग यूनिट क्या होता है? स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ आइडेंटिफाइबल एसेट्स, स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ आइडेंटिफाइबल एसेट दैट जनरेट्स कैश फ्लोस इंडिपेंडेंटली, दैट जनरेट्स कैश फ्लोस इंडिपेंडेंटली, या दैट आर लार्जली इंडिपेंडेंट, कैश फ्लोस जनरेट करता है दैट इज लार्जली इंडिपेंडेंट ऑफ द कैश फ्लोस जनरेटेड बाय द अदर कैश जनरेटिंग यूनिट्स। इसके अलावा हमने पढ़ा था कॉर्पोरेट असेट क्या होती है। कॉर्पोरेट असेट कभी भी कैश जनरेट नहीं करता है, कॉर्पोरेट असेट गुडविल के अलावा होती है, डेट कैन नेवर जनरेट कैश फ्लोस। उसके बाद फेयर वे, अच्छा अब उसके बाद हमने जो दो चीजें पढ़ी थी कि इंपेयरमेंट कैसे होता है, इंपेयरमेंट के लिए दो चीजें चाहिए होती है, कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है? हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल और वैल्यू इन यूज, या फिर AS 28 के हिसाब से हायर ऑफ नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज। फेयर वैल्यू का मतलब, फेयर वैल्यू मतलब इंड AS 113 में देखेंगे एग्जिट प्राइस, जो प्राइस हमें रियलाइज होगा असेट को बेच पर, या जो हमें प्राइस पे करना पड़ेगा किसी लाइबिलिटी को सेटल करने पे। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होगा उस ट्रांजेक्शन को करने के लिए, सेल करने के लिए, ट्रांजेक्शन को करने के लिए जो भी डिस्पोजल कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होगी उसको कंसिडर करेंगे, जैसे लीगल कॉस्ट, स्टैंप ड्यूटी का चार्जेस वगैरह वगैरह। वैल्यू यूज कैसे निकलेगा? वैल्यू यूज निकालने के लिए हमें कैश फ्लोज लेने हैं फ्यूचर के, ठीक है ना, फ्यूचर के कैश फ्लोज एस्टिमेट करने। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? यूजफुल लाइफ, वैल्यू यूज वगैरह हो गया। अच्छा, वैल्यू यूज के लिए कैश फ्लोज एस्टिमेट करते हैं, उनका प्रेजेंट वैल्यू देते हैं डिस्काउंटिंग पे, ठीक है। हमने उसके बाद क्या पढ़ा था? इंडिकेशंस ऑफ इंपेयरमेंट, हमने क्या पढ़ा था? इंडिकेशंस ऑफ इंपेयरमेंट। चलिए तो यहां हम बात कर रहे हैं इंड AS 36 एंड AS 28। तो सबसे पहले इंपेयरमेंट लॉस इज इक्वल टू कैरिंग अमाउंट
माइनस रिकवरेबल अमाउंट, है ना। ये क्या है, ये एक टेस्टिंग है, ये इंपेयरमेंट टेस्टिंग है। ये कब करेंगे, व्हेन, जब इंडिकेशन मिलेंगे, जब इंडिकेशंस मिलेंगे। इंडिकेशंस कितने होते हैं, इंडिकेशंस एक्सटर्नल होते हैं, इंडिकेशंस इंटरनल होते हैं। इंडिकेशंस एक्सटर्नल और इंटरनल होते हैं। एक्सटर्नल में क्या क्या आएगा, मार्केट वैल्यू डिक्लाइन, एडवर्स इफेक्ट ड्यू टू चेंजेस, उसके बाद एडवर्स इफेक्ट, उसके बाद एडवर्स इफेक्ट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण, ठीक है ना। उसके बाद और क्या हमने पढ़ा था, मार्केट इंटरेस्ट रेट, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। उसके बाद लास्ट नेटवर्थ, बुक वैल्यू मोर देन मार्केट वैल्यू। इंटरनल क्या पढ़ा था हमने, ऑप्शुलेंस या डैमेज। इसके अलावा और क्या, एडवर्स इफेक्ट, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, उसके बाद परफॉर्मेंस वर्स्ट, ठीक है ना। ये हमने देखा था, क्लियर है बेटा। उसके बाद अगर इंपेयरमेंट हुआ तो इंपेयरमेंट लॉस को कहां ले जाएंगे, इंपेयरमेंट लॉस को कौन ले जाएंगे, रीवैल्यूएशन सरप्लस में, देन पी एंड एल में, टू द एक्सटेंट अवेलेबल। देन पी एंड एल में बैलेंसिंग, ठीक है। अच्छा, क्रेडिट इफेक्ट किसको देंगे, प्रोविजन फॉर इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट, ठीक है बेटा। ये तो हो गए इंडिकेशंस और ये सब चीजें। अच्छा जी, हमने इसमें पढ़ा था मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट में, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने के बाद भी हो सकता है हम इंपेयरमेंट ना करें अगर हमारे डिस्काउंटिंग रेट पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। अगर डिस्काउंटिंग रेट पे असर भी पड़ रहा है तो भी हो सकता है हम इंपेयरमेंट ना करें अगर हमारे रिकवरेबल अमाउंट पे असर नहीं पड़ रहा या फिर इमटेरियल असर पड़ रहा है, ठीक है। सब्सिडियरी ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट के लिए हमने इंडिकेशन हमने अभी डिस्कस कर लिए, उसके बाद एक्सेप्शन हमने डिस्कस कर लिए, आइडेंटिफाइंग एन असेट दैट में भी इंपेयर्ड, इंपेयरमेंट के लिए हमने देख लिया कि हाँ। अच्छा जी, अब असेट का इंपेयरमेंट कब कब होगा, जब इंपेयरमेंट टेस्टिंग करेगा, जब इंडिकेशन मिलेगा। ऐसी कौन सी असेट है जहां इरिस्पेक्टिव ऑफ इंडिकेशन, इरिस्पेक्टिव, स्पेलिंग क्या होता है, इरिस्पेक्टिव, अरे यार मैं स्पेलिंग कैसे भूल रहा हूं, इरिस्पेक्टिव ऑफ इंडिकेशन इंपेयरमेंट करना पड़ेगा, किसका, गुडविल का। अब जब मैं लिखूं गुडविल तो समझ जाना कि बिजनेस कॉम्बिनेशन वाली गुडविल, बीसी, यहां पर बीसी का फुल फॉर्म बिजनेस कॉम्बिनेशन बोलेंगे, कोई और कुछ नहीं बोलेंगे, बीसी मतलब बिजनेस कॉम्बिनेशन। हाँ, उसके बाद इंटेंजिबल असेट, इंटेंजिबल असेट कौन सी, इनडेफिनेट लाइफ, इनडेफिनेट लाइफ और नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज, चलो ठीक है। उसके बाद हमने क्या बोला था, उसके बाद हमने बोला था कि भाई फेयर वैल्यू डिटरमाइन कैसे करेंगे, फेयर वैल्यू या फिर नेट सेलिंग प्राइस, ये डिटरमाइन कैसे करेंगे, जल्दी बोलो, ये फेयर वैल्यू नेट सेलिंग प्राइस कैसे डिटरमाइन होगी। सबसे पहले हमने देखा था कि या तो बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट होना चाहिए, बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट आपका ही खुद का नहीं है अवेलेबल, अगर इफ नॉट अवेलेबल देन देन क्या, एक्टिव मार्केट, एक्टिव मार्केट, एक्टिव मार्केट में क्या देखोगे, सबसे पहले करंट बिड प्राइस, करंट बिड प्राइस, एक्टिव मार्केट का करंट बिड प्राइस देखेंगे, और अगर करंट बिड प्राइस अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे, मोस्ट रीसेंट ट्रांजेक्शन, और मोस्ट रीसेंट ट्रांजेक्शन फॉर सिमिलर असेट, और अगर वो भी नहीं है तो फिर एस्टिमेट करेंगे,
और अगर नहीं कर सकते तो वैल्यू इन यूज ओनली, सिर्फ वैल्यू इन यूज ले देंगे। ठीक है बेटा, हमने ये देखा था। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज के लिए क्या करेंगे, वैल्यू इन यूज के लिए क्या करेंगे, वैल्यू इन यूज के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, एक तो कैश फ्लोस, एस्टिमेटेड कैश फ्लोस, एस्टिमेटेड कैश फ्लोस, दूसरा टाइम वैल्यू ऑफ मन, सॉरी कुछ गड़बड़ लिख दिया, डिस्काउंटिंग रेट, एस्टिमेटेड कैश फ्लोस और डिस्काउंटिंग रेट। एस्टिमेटेड कैश फ्लोस के लिए क्या चाहिए, एस्टिमेटेड कैश फ्लोस के लिए या तो मुझे रीजनेबल एंड सपोर्टेबल अजम्पशन चाहिए, रीजनेबल एंड सपोर्टेबल अजम्पशन चाहिए, और दूसरा रीजनेबल एंड सपोर्टेबल अजम्पशन के अलावा क्या चाहिए, ग्रेटर ग्रेटर वेट दिया जाएगा किसको, ग्रेटर वेट किसको दिया जाएगा, एक्सटर्नल एविडेंसेस को, एक्सटर्नल एविडेंसेस को ग्रेटर वेट दिया जाएगा। उसके बाद और क्या देखेंगे, और जो भी आपके मोस्ट रीसेंट फोरकास्ट हैं या बजट्स हैं उनको कंसीडर किया जाएगा, और 5 ईयर्स के ही लेंगे, अंटिल एनलिस सफिशियंट एविडेंसेस आर अवेलेबल फॉर द रिमेनिंग फॉर द ईयर्स। ठीक है बेटा, डिस्काउंटिंग रेट में दो चीजें चाहिए होती हैं, डिस्काउंटिंग रेट में दो चीजें चाहिए होती हैं, बताओ क्या चाहिए होती है डिस्काउंटिंग रेट में, डिस्काउंटिंग रेट में एक तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर करना पड़ता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और दूसरा असेट स्पेसिफिक रिस्क चाहिए रहती है। अगर असेट स्पेसिफिक रिस्क नॉट अवेलेबल, अगर अवेलेबल नहीं है तो क्या करोगे, तो आप लोगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट या फिर अदर मार्केट रेट्स ले लोगे। इतना बेटा समझ में आया कि नहीं, ये तो हो गए डिस्काउंटिंग रेट वाले फंडे। ठीक है बेटा, उसके बाद हम आए थे सीजीयू पे, सीजीयू पे आए थे कि नहीं आए थे, सीजीयू पे आए थे, या फिर हमने बात की थी कि एक बार इंपेयरमेंट लग गया, आफ्टर इंपेयरमेंट इफेक्ट, आफ्टर इंपेयरमेंट इफेक्ट क्या क्या होगा, डेप्रिसिएशन ऑन रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, डेफर्ड टैक्सेस, इंड एस 12। ठीक है बेटा, डेफर्ड टैक्सेस, इंड एस 12, इसके अलावा इंपेयरमेंट लॉस कैन नॉट एक्सीड कैरिंग अमाउंट। इसमें हमने पॉइंट पढ़ा था मेक प्रोविजन फॉर एक्सेस लाइबिलिटी, ठीक है ना, मेक प्रोविजन फॉर एक्सेस लाइबिलिटी। ठीक है भाई, फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने कैश जनरेटिंग यूनिट के बारे में पढ़ा था कि अगर असेट आइडेंटिफाइबल नहीं है, सेपरेटली आप उसको इंपेयर नहीं कर सकते हो, तो आप उसको स्मॉलेस्ट ग्रुप में डालो और उसके बाद आप इंटायर सीजीयू का इंपेयरमेंट करोगे। इंटायर सीजीयू का इंपेयरमेंट करने के लिए आपको कैश जनरेटिंग यूनिट बनाना पड़ेगा, एक ही कंपनी में एक ही कैश जनरेटिंग यूनिट हो सकता है या फिर डिफरेंट कैश जनरेटिंग यूनिट्स हो सकते हैं, एक ही कैश जनरेटिंग यूनिट हो सकता है या तो डिफरेंट कैश जनरेटिंग यूनिट हो सकते हैं। कब एक असेट आप सीजीयू में डालोगे, जब आप उस असेट का रिकवरेबल अमाउंट नहीं डाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, तो सीजीयू कब आएगा, वेन टू आइडेंटिफाई सीजीयू, सीजीयू कब आएगा, जब रिकवरेबल अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, जब आप उसका रिकवरेबल अमाउंट डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, रिकवरेबल अमाउंट समझते हो कि नहीं, रिकवरेबल मतलब वैल्यू इन यूज डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज मतलब आपको पता नहीं, आप उसके सेपरेट कैश फ्लोज जनरेट नहीं हो सकते। ठीक है, क्लियर हुआ।
आगे। अच्छा जी, सीजीयू में क्या क्या जाएगा? सीजीयू में क्या क्या जाएगा? सीजीयू में असेट्स भी जाएंगी और लाइबिलिटीज भी जाएंगी। लाइबिलिटीज कब जाएंगी? ओनली कंसीडर ओनली इफ रिकवरेबल अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड विदाउट लाइबिलिटी। तो सीजीयू में लाइबिलिटी भी जाएंगी, सीजीयू में लाइबिलिटी भी जाएंगी। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर बेटा? सीजीयू में और कौन से जाएंगी? सीजीयू में तीन असेट्स जाएंगी, एक तो स्पेसिफिक टू सीजीयू, दूसरा कॉरपोरेट असेट्स और तीसरा गुडविल अलोकेट, अलोकेटेड गुडविल, ये जाएगा सीजीयू में। गुडविल से मुझे याद आ रहा है बात कि AS28 बोलता है कि बॉटम अप अप्रोच अप्लाई करो, अगर आप अलोकेट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो टॉप डाउन अप्रोच अप्लाई करो। IND AS 36 बोलता है कि आपको बॉटम अप अप्रोच ही अप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब गुडविल को रीजनेबल बेसिस पे सीजीयूज में अलोकेट करना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट सीजीयूज में अलोकेट करना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रही है, बिजनेस कॉम्बिनेशन कर रही है, तो जो गुडविल आपने आइडेंटिफाई किया है एक्विजिशन वाला, उस गुडविल को ना सिर्फ टेकिंग ओवर कंपनी के सीजीयू में, बल्कि जो कंपनी जो 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 एक्वायरर है उसके भी सीजीयू में बांटा जाएगा, अगर उसके सीजीयू को भी बिजनेस कॉम्बिनेशन के सिनर्जी का एडवांटेज मिल रहा है, सिनर्जी का एडवांटेज मिल रहा है। आई बात समझ में कि नहीं? तो उसमें भी बटेगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? कॉर्पोरेट असेट। कॉर्पोरेट असेट में तो वही बॉटम अप अप्रोच और टॉप डाउन अप्रोच। तो बॉटम अप टॉप डाउन, बॉटम अप एंड टॉप डाउन, गुडविल बॉटम अप, कॉर्पोरेट असेट बोथ। ये मैं IND AS 36 के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। गुडविल में बॉटम अप और कॉर्पोरेट असेट में तो दोनों अप्रोच अप्लाई हो सकती हैं। ठीक है बेटा, क्लियर? अच्छा जी, ये भी हमने पढ़ लिया। फिर हम बताए थे रिवर्सल पे, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, ऑपोजिट इंडिकेशंस। ठीक है ना? कितना करोगे? लोअर ऑफ रिकवरेबल अमाउंट माइनस कैरिंग अमाउंट, दूसरा इंपेयरमेंट लॉस माइनस सेविंग इन डेप्रिसिएशन। ठीक है बेटा, ये रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस हमने पढ़ा था, अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है ना? उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इफेक्ट कहाँ जाएगा? इफेक्ट रीवैल्यूएशन रिजर्व फर्स्ट देन P&L। आई बात समझ में कि नहीं? सो बेसिकली हमने मोटा मोटा ये सब चीजें पढ़ी थी ओवरऑल। इसमें अब मैंने आपको बिजनेस कॉम्बिनेशन वाला फंडा इसमें नहीं लिखा जानबूझ के, ताकि उससे उलझन ना आ जाए। सो दिस वॉज IND AS 38 एंड AS 20, IND AS 36 एंड AS 28। सो गाइस, इस चार्ट को एक बार देख लीजिए, बनाना हो आप बना लीजिए, क्वेश्चंस आप जरूर निपटाइएगा। क्वेश्चंस में मैंने आपको बोला हुआ है कि एक इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 4 आप अच्छे से करिएगा, नहीं बने तो आप, मैं जरूर उसको अगली क्लास में डिस्कस तो करूंगा। सो गाइस, नाउ वी आर फाइनली कंक्लूडिंग दिस टॉपिक। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो प्लीज गाइस, बहुत अच्छे से करें। कई सारे क्वेश्चंस आपको सफिशियंटली दिए गए हैं, कई सारे अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप उसको अच्छे से करें। अब हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? अब हम स्टार्ट कर रहे हैं IND AS 105। IND AS 105 मैंने आपको बताया कि ये स्टैंडर्ड सबसे लास्ट स्टैंडर्ड है असेट बेस्ड स्टैंडर्ड्स का। अभी तक हमने जितने स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं, स्टार्टिंग का IND AS 12 छोड़कर, डेफर टैक्सेस और उससे पहले का इंट्रोडक्टरी पोर्शन छोड़कर, अपन ने अभी तक सारे असेट बेस्ड स्टैंडर्ड किए हैं और ये उनका सबसे लास्ट है। और मैंने बिल्कुल सीक्वेंस में करवाया। सबसे पहले मैंने आपको लीजेस करवाया, फिर IND AS 16 करवाया,
इन्वेंट्री, इंटेंजिबल असेट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, मतलब ये सब इसीलिए कर रहा है कि पहले पहले हमने आपसे बात की कि असेट को रिकॉग्निशन वाले स्टैंडर्ड्स पहले कर लें, फिर उसके बाद हमने उनके मेजरमेंट वाले स्टैंडर्ड्स पे बात किया, फिर हमने उनके एग्रीकल्चर वाली बात उसमें बीच में बात बात कर ली, फिर हम उसके इम्पेयरमेंट पे आ गए, अब हम फाइनली उसके डी रिकॉग्निशन पे आ रहे हैं, नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। कब आप असेट को डी रिकॉग्नाइज करोगे या कब आप उसको डेप्रिसिएशन लगाना बंद कर दोगे, ठीक है ना? हम उस स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं इंड एएस 105 की। सो पहले इसको कंप्लीट करो, आगे बढ़ते हैं उसके बाद, गिविंग यू 2-3 मिनट्स और 5 मिनट्स, उसके बाद हम आएंगे इंड एएस 105 पे। बहुत ही छोटा स्टैंडर्ड है बट अच्छा है स्टैंडर्ड, ठीक है? ओके, सो लेट्स बिगिन विथ न्यू स्टैंडर्ड इंड एएस 105, नॉन करंट असेट्स हेल्ड फॉर सेल। यार सही बताऊं, नाम पढ़ के ही ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टाइप की फीलिंग आ रही है। क्या हेल्ड फॉर सेल? वाओ, मतलब अभी तक हम जो नाम पढ़ रहे हैं असेट्स के, जो नाम हमने पढ़े हैं अभी तक, उनके नाम क्या क्या हैं? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है, समझ में आता है कि भाई वो असेट से रिलेटेड है, फिक्स असेट वगैरह से रिलेटेड है। उसके बाद हमने नाम पढ़ा इनटेंजिबल असेट, जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पढ़ के फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा लगा, इन्वेंट्री पुराना स्टैंडर्ड ठीक है, इम्पेयरमेंट हाँ ठीक है, बट यहां पर क्या, नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल, मतलब तुमने अपनी असेट को बेचने के लिए रख दिया है भैया, अब तुम अपनी असेट का यूज नहीं करना चाहते हो अपने बिजनेस में, यू जस्ट वॉन्ट टू सेल योर असेट। सोचो यार, इंडियंस की सोच कहां तक गई कि अगर एंटिटी अपने पास कुछ ऐसी असेट रखे हुए है जिनको वो बेचना चाहती है, जिनको वो बेचना चाहती है, या एंटिटी के कुछ ऐसे ऑपरेशंस चल रहे हैं जो वो डिसकंटिन्यू करना चाहती है या डिसकंटिन्यू हो चुके हैं, तो उनके बारे में भी यूजर्स को पता होना जरूरी है, उनके बारे में भी यूजर्स को पता होना जरूरी है। बात समझ में आ रही कि नहीं? सो गाइस, फिर से बोलेंगे मेरे साथ इकट्ठा, स्टैंडर्ड का नाम नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, सर इसका कोई करिस्पॉन्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था क्या या है क्या? तो बिल्कुल यस, हाँ, AS 24, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। और उस स्टैंडर्ड में और इस स्टैंडर्ड में बहुत फर्क है। इंड एएस 105 नॉन करंट
असेट्स, हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। ठीक है, क्या पढ़ने वाले, क्या लगता है इसमें क्या हो सकता है, क्या हो सकता है सर? आपने बता ही दिया, ऐसी ऐसी असेट्स जो कंपनी डोंट वांट टू यूज, नाउ कंपनी इंटेंड्स टू सेल इट, और ऐसे ऑपरेशंस जो कंपनी अब डिसकंटिन्यू कर चुकी है, डिसकंटिन्यू कर चुकी है, तो सर उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। यस डेफिनेटली बेटा, हम पूरे स्टैंडर्ड को दो हिस्सों में बांट रहे हैं। एक तो सिंगल नॉन करंट असेट जो कि आपको बेचना है, हेल्ड फॉर सेल, और दूसरा डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। हम इस स्टैंडर्ड में क्या पढ़ने वाले हैं, इस चीज का मेजरमेंट क्राइटेरिया, ऐसी असेट जिसको आप सेल करने के लिए रखे हुए हो उसका क्या करोगे, और प्रेजेंटेशन क्राइटेरिया, उसको कहाँ अलग से दिखाओगे, और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का प्रेजेंटेशन क्राइटेरिया कि उसका ऐसा ऑपरेशन जो साल इस साल करंट ईयर में डिसकंटिन्यू कर दिया उसका क्या प्रेजेंटेशन करोगे। हम इस स्टैंडर्ड में ये दो बात पढ़ने वाले चीजें। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पे चलते हैं। सबसे पहले बेटा, व्हाट इज नॉन करंट असेट? सबसे पहले तो यही समझ लें, व्हाट इज नॉन करंट असेट? एनी असेट विच इज नॉट अ करंट असेट इज कॉल्ड नॉन करंट असेट। सिंपल सर, सिंपल तो है। कोई भी असेट जो करंट असेट नहीं होगी वो नॉन करंट असेट होगी। अच्छा चलो फिर बता दो कि कौन सी असेट को करंट असेट बोलते हैं। तो सर वो ना इंड एस वन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो बताता है कि करंट असेट में क्या क्या होगा। याद करो चार कंडीशंस थी करंट असेट में, जो शेड्यूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग भी है। करंट असेट मतलब क्या? हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड, या फिर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में वो कंज्यूम हो जाए, रियलाइज हो जाए, एक्सपेक्टेड टू रियलाइज और कंज्यूम और सेल्ड इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड, या फिर विद इन 12 मंथ्स आप उसको रियलाइज कर लो, एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल या 12 मंथ्स, या चौथा कैश इन हैंड जो कि रेस्ट्रिक्टिव ना हो, जिसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन ना हो, लिक्विड लिक्विडिटी, तो उस चीज को बोलते हैं करंट असेट। उसको छोड़कर बाकी सब चीजें आ गई नॉन करंट असेट। चलो एग्जाम्पल वाइज जाते हैं, इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आएगा इंड एस 16, इसमें आपका इनटेंजिबल असेट आएगा इंड एस 38, इसमें का क्या आएगा, इसमें आपका डेफर्ड टैक्स असेट आएगा नॉन करंट असेट उसमें, इसमें आपका एग्रीकल्चर असेट या बायोलॉजिकल असेट भी आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं बेटा? इसमें आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी आएंगे, इसमें आपके इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगे, और क्या आएगा? इसमें आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज भी आएगा। इंड एस 40, इंड एस 16, इंड एस 38, इंड एस 12, इंड एस 41, ये हमने पढ़ा नहीं है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इंड एस 109 और इन्वेस्टमेंट्स इन सब्सिडरीज। तो नॉन करंट असेट के कई सारी चीजें हैं, है ना? एनी असेट विच इज नॉट अ करंट असेट इज कॉल्ड नॉन करंट असेट, ये समझ में आता है। नाउ वी आर सेइंग नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल, हेल्ड फॉर सेल मतलब भाई तुम तो उसको निकालना चाहते हो, बिजनेस से निकाल के फेंकना चाहते हो। तुम्हें ये समझ में आ चुका है कि तुम्हें इसकी रिकवरी यूज करने से नहीं होने वाली, तुम्हें इसकी रिकवरी सेल करने से होने वाली है। अच्छा वन थिंग, आप किसी भी रिसोर्स को अपनी बैलेंस शीट में असेट क्यों बताते हो? आप किसी भी आइटम को, आप किसी भी एलिमेंट को आप अपनी बैलेंस शीट में असेट क्यों बताते हो? डेटर आपके असेट क्यों है? क्योंकि सर उससे मुझे कुछ रिकवरीज होंगी, कुछ गेन्स होंगे, कुछ रियलाइजेशंस होंगे, और वो असेट जिस वैल्यू पे शो होता है वो वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पेशली इन डेज जब से हमने पढ़ना शुरू किया है।
आपको समझ में आ गया होगा, इंडेक्स इज मोर एम्फेसाइज्ड ऑन फेयर वैल्यूएशन कॉन्सेप्ट। कहने का मतलब इंडेक्स हमेशा फोकस करता है किस पे बेटा, हमेशा उस चीज पे असेट को दिखाओ जो जिस वैल्यू को हम रियलाइज कर पाएंगे फ्यूचर में। अगर आपके असेट बेवजह फालतू ऐसे अमाउंट पे दिख रही है जहां से हमें आपको रिकवरी नहीं मिलना, तो उसको इंपेयर कर दो, या अगर आपको पता है ज्यादा रिकवर होने वाला है तो आप उसको रिवैल्यू कर दो, फेयर वैल्यू कर दो। तो हम जब किसी भी असेट का कैरिंग अमाउंट यहां पर दिखाते हैं, तो इसका मतलब हमें हमारा इंटेंशन क्या होता है कि दिस कैरिंग अमाउंट वी आर गोइंग टू रियलाइज इन एनी वे, इधर बाय इट्स यूज और सेल। अभी इंपेयरमेंट पढ़ा, इंपेयरमेंट में हमने क्या पढ़ा, रिकवरेबल अमाउंट इज द हायर ऑफ वैल्यू इन यूज, मतलब यूज करोगे तो कितना आएगा, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, विच एवर इज हायर। सो बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड माई व्यू, किसी भी असेट का कैरिंग अमाउंट अगर बैलेंस शीट में दिख रहा है, तो इसका मतलब वो कैरिंग अमाउंट हम रिकवर करेंगे, ऐसा हम बता रहे हैं। इनडायरेक्टली वी आर सेइंग कि दिस कैरिंग अमाउंट वी आर गोइंग टू रिकवर फ्रॉम द असेट। हाँ सर, कैरिंग अमाउंट, इफ वी आर शोइंग अ कैरिंग अमाउंट, अ पर्टिकुलर कैरिंग अमाउंट, देन इट मीन्स वी आर गोइंग टू रिकवर इट। ओके सर, हाउ कैन वी रिकवर, कैसे रिकवर करेंगे सर? देयर आर टू थिंग्स, इधर आई विल यूज दिस असेट एंड जनरेट कैश इनफ्लोस, है ना, एंड और विल मेक कॉस्ट सेविंग्स, और अगर मुझे लगता है कि नहीं आई कैन नॉट यूज इट इन माई बिजनेस, आई कैन नॉट जनरेट कैश इनफ्लोस, देन आई विल सेल इट, आई विल सेल इट। सो बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड, नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल का मतलब ये हुआ कि एक ऐसी असेट जहां पर आपका इंटेंशन बेचने का बिल्कुल अच्छे से डेवलप हो चुका है, नाउ यू हैव डिटरमाइंड दैट इट्स कैरिंग अमाउंट यू कैन नॉट रिकवर इट्स कैरिंग अमाउंट फ्रॉम इट्स कंटिन्यूइंग यूज, एन एंटिटी हैज डिसाइडेड टू सेल इट बिकॉज एंटिटी नोज कि उसके बस की नहीं है, एंटिटी इज नॉट एबल टू रिकवर इट्स कैरिंग अमाउंट फ्रॉम इट्स कंटिन्यूइंग यूज, एंड दैट्स द रीजन वी हैव डिसाइडेड टू सेल इट। यार आई बात समझ में कि नहीं? फिर से, एक नॉन करंट असेट को हेल्ड फॉर सेल कब बोलेंगे? एक नॉन करंट असेट को हेल्ड फॉर सेल तब बोलेंगे जब हमने ये डिसाइड कर लिया है कि हम उसको बेचना चाहते हैं। पहली बात, हमने ये डिसाइड कब किया होगा कि हम उसको बेचना चाहते हैं? जब हमें पता लग चुका होगा कि उसका कैरिंग अमाउंट हम रिकवर नहीं कर सकते हैं उसके यूज से, हम उससे कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पाएंगे, अगर कर भी पाएंगे तो वो कैश फ्लो बहुत कम होंगे, बजाय उसके हम उसको अगर बेच दें मार्केट में तो ज्यादा मिलेगा, तो बेहतर है कि हम उसको हेल्ड फॉर सेल कर देते हैं। कुछ आया समझ में? कहीं ना कहीं ये बात यहां पर फिट होती है। क्लियर है बेटा? नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल, इतना आपको क्लियर है बेटा? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नॉन करंट असेट का डेफिनेशन हमने डिस्कस किया, नाउ व्हाट इज डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, ये क्या होता है? डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन मतलब क्या? डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन मतलब आप ये समझो कि मेरा एक ब्रांच है मुंबई में जो नहीं चल पा रहा है, मेरा एक ब्रांच है मुंबई में जो नहीं चल पा रहा है, तो आई हैव डिसाइडेड कि यार उस ब्रांच को बंद करना है, या तो मैंने उस ब्रांच को बंद कर दिया है डिसकंटिन्यूड, या तो मैं उसको किसी और को बेच के पैसे रियलाइज करने वाला हूं पूरे ऑपरेशन को। नाउ हेयर द मैटर इज टू डिसकंटिन्यू द एंटायर ऑपरेशन, नॉट अ सिंगल असेट। यहां पर एक सिंगल असेट की बात चल रही है, यहां पर बात चल रही है पूरे एक लाइन ऑफ सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस की। मेरा एक बहुत बड़ा बिजनेस है, अलग 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 जगह ब्रांचेस वगैरह चलते हैं, एक आध ब्रांचेस ऐसी है जो नहीं चल पा रही है, नाउ आई हैव डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू देम और टू सेल देम टू समवन एल्स, सो इट इज नोन एज डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। सो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन मतलब क्या? डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन मीन्स अ पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट ऑफ एंटिटी, अ यूनिट ऑफ द एंटिटी विच इज डिसकंटिन्यूड, और द एंटिटी हैविंग एन इंटेंशन टू सेल इट विच इज डिसकंटिन्यूड और विच इज हेल्ड फॉर सेल इन द नियर फ्यूचर। ऑब्वियसली डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन जो होगा ये एक सेपरेट मेजर
लाइन ऑफ बिजनेस होगा। सर ये क्या होता है, सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस। मान लीजिए एक चार्टेड अकाउंटेंट, एक चार्टेड अकाउंटेंट जो कि प्रैक्टिस भी करता है और सीए की क्लासेस भी लेता है। अब उसको लगता है कि मैं सीए की क्लासेस लेना छोड़ दूं, उसका एक अलग वेंचर है सीए की क्लासेस लेना और प्रैक्टिस करना अलग। उसका प्राइम टारगेट है कि मुझे तो प्रैक्टिस करनी है, मुझे सीए की क्लासेस अब नहीं लेनी है। तो जो सीए की क्लासेस को वो डिसकंटिन्यू करना चाहता है, तो वो एक सेपरेट है लाइन ऑफ बिजनेस, वो लाइन ऑफ बिजनेस अलग है कंपेयर टू इट्स प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस एक अलग चीज है और कोचिंग क्लास एक अलग चीज है। आई बात समझ में कि नहीं? सो विच रिप्रेजेंट्स अ सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस और विच कैन बी अ सब्सिडरी, विच कैन बी अ सब्सिडरी विच इज हेल्ड फॉर सेल। अरे भाई ये तो पहली बार सुना है। मतलब एक पेरेंट कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी है, वो एक सब्सिडरी कंपनी को भी मैं ऑपरेशन बोलूंगा, सेपरेट ऑपरेशन जिसको मैं सेल करना चाहता हूं, विच इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। तो बेटा डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में सब्सिडरी भी आ सकती है, सब्सिडरी भी आ सकती है, ब्रांच आ सकता है, यूनिट आ सकता है, पर वो एक सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस होना चाहिए। अच्छा सर, जरूरी है कि सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस हो? नहीं, और इट मे बी एट डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन। अच्छा हाँ, मेरी कोचिंग क्लासेस अलग 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 जगह चलती हैं। एक ब्रांच मैंने ओपन कर दी साउथ में, केरला में। अब वहां मेरी क्लासेस नहीं चल पा रही है क्योंकि वहां पे लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। जब तक मैं वहां पे इंग्लिश में डिलीवर नहीं करूंगा, वहां पर मेरी क्लासेस ज्यादा नहीं चलने वाली। सो नाउ आई हैव डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू इट। कोचिंग क्लासेस यहां पर भी है, वहां पर भी है, सेम टू सेम चल रहा है। सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस नहीं है, बिजनेस वही है पर अलग ज्योग्राफिकल एरिया है, तो उसको मैं डिसकंटिन्यू करना चाहता हूं। तो बेटा डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन मतलब या तो एक सेपरेट बिजनेस, या तो आपका सेम बिजनेस इन अ डिफरेंट लोकेशन, या फिर एक सब्सिडरी, या फिर एक सब्सिडरी विच इज एक्सक्लूसिवली हेल्ड फॉर सेल, जिसको आप बेचना चाहते हो। समझ में आई बेटा बात? मैंने आपको क्या क्या समझाया? मैं आपको बुक से अभी पढ़वाने नहीं वाला हूं, मैं आपको आज बुक से नहीं करवाने वाला हूं, बल्कि मैं आपको आज ये बताने वाला हूं कि आपको खुद से बुक में पढ़ना पड़ेगा। जितना आप मुझसे अभी सुन रहे हो, समझ रहे हो, उसके बेसिस पर आपको बुक में से पढ़ना पड़ेगा। आपको बहुत मजा आएगा जब आप मेरा सुन के आप बुक में से पढ़ोगे, आपको लगेगा हाँ यार ये तो सर ने बताया था, हाँ ऐसा ही होता है। इसीलिए कोशिश करो अपने आप को इन्वॉल्व करने की इस चीज में। तो हमने अभी दो चीजें बोली, इस स्टैंडर्ड के नाम को हमने डिफाइन किया। स्टैंडर्ड का नाम क्या है? नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल। तो सबसे पहले हमने समझा कि नॉन करंट असेट क्या होती है। आप उसको हेल्ड फॉर सेल क्यों बोल रहे हो? आप उसको हेल्ड फॉर सेल इसलिए बोल रहे हो क्योंकि अब आपको समझ में आ चुका है कि आप उसके कैरिंग अमाउंट को रिकवर नहीं कर सकते हो उसके कंटिन्यूइंग यूज से। यू कैन नॉट जनरेट द कैश फ्लो फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज। रादर यू आर एक्सपेक्टिंग दैट, वॉट यू आर एक्सपेक्टिंग, यू आर एक्सपेक्टिंग दैट यू यू कैन रिकवर इट्स कैरिंग अमाउंट फ्रॉम सेल। ठीक है ना? उसके बाद नॉन करंट एसेट में कौन कौन सी एसेट्स आती हैं वो भी हमने देख ली। उसके बाद हमने ये देखा कि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन क्या होता है। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन मतलब ऐसा ऑपरेशन जो कि एक सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस है, या फिर अलग एक ज्योग्राफिकल एरिया में खुला हुआ है, या फिर एक सब्सिडरी है जिसको आप डिसकंटिन्यू कर चुके हो, या फिर आप डिसकंटिन्यू करना चाहते हो, या फिर आप उसको बेचना चाहते हो किसी और को। ठीक है, अब इन दोनों की चर्चा हम यहां पर इस इंड एस 105 में करने वाले हैं। नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल के लिए हम मेजरमेंट प्रिंसिपल पढ़ेंगे कि ऐसी असेट का मेजरमेंट कैसे होना चाहिए, कॉस्ट पर ही दिखना चाहिए कि किसी और वैल्यू पर दिखना चाहिए, और उसको कैसे बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना चाहिए असेट, है ना, इसीलिए। और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है तो उसका प्रेजेंटेशन हमें कैसे करना चाहिए। इतनी बात समझ में आई? क्लियर? अच्छा जी, अब एक आध टर्म और डिस्कस कर लेते हैं। आप जब पढ़ेंगे इस स्टैंडर्ड को जब आप पढ़ोगे तो आपको इस स्टैंडर्ड में एक वर्ड मिलेगा, दैट इज नोन एज डिस्पोजल ग्रुप।
डिस्पोजल ग्रुप, एक वर्ड, एक टर्मिनोलॉजी मिलेगी, डिस्पोजल ग्रुप। नाउ व्हाट इज डिस्पोजल ग्रुप? डिस्पोजल ग्रुप मींस ग्रुप ऑफ मोर देन वन नॉन करंट असेट्स एंड लाइबिलिटीज टूगेदर डिस्पोज्ड और हेल्ड फॉर डिस्पोजल। इसको आप इंटरचेंज कर सकते हो नॉन करंट असेट्स हेल्ड फॉर सेल से। कभी कभार ऐसा होगा कि एक सिंगल असेट है आपकी हेल्ड फॉर सेल, या फिर ग्रुप ऑफ सम असेट्स और लाइबिलिटीज, ग्रुप ऑफ सम असेट्स एंड लाइबिलिटीज यू आर ट्राइंग टू सेल इट, तो इट इज नोन एज डिस्पोजल ग्रुप। क्लियर बेटा? इतना समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। करना क्या है, हम उसके पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले नॉन करंट असेट और डिस्पोजल ग्रुप हेल्ड फॉर सेल, क्या करना है इसका? जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया कि आप इसको हेल्ड फॉर सेल कैटेगरी में डालना चाहते हो, नॉन करंट असेट्स और डिस्पोजल ग्रुप, एंटिटी डिसाइडेड टू होल्ड इट फॉर सेल, एंटिटी ने डिसाइड कर दिया कि अब ये नॉन करंट असेट हम इसको सेल करना चाहते हैं या डिस्पोज करना चाहते हैं, डिस्पोज्ड ऑफ। आप सिंपली एग्जांपल लो पीपीई का, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंडिया 16, या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, लैंड एंड बिल्डिंग, या फिर इंटेंजिबल असेट का, है ना? तो एंटिटी ने डिसाइड कर लिया कि नाउ वी वॉन्ट टू सेल इट, वी वॉन्ट टू सेल इट। इमीडिएटली इमीडिएटली आप उसका कैटेगरी चेंज करोगे, यू हैव टू चेंज द कैटेगरी ऑफ द असेट। अभी तक आपका बिल्डिंग, लैंड, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में कैटेगरी में दिख रहा होगा, या फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कैटेगरी में दिख रहा होगा। अब आपको उसको एक सेपरेट कैटेगरी में डालना पड़ेगा, सेपरेट कैटेगरी, कौन सी? हेल्ड फॉर सेल, सेपरेट कैटेगरी इन बैलेंस शीट। आपको उसको इमीडिएटली अलग कैटेगरी में डालना पड़ेगा। अब आपकी वो असेट एक सेपरेट कैटेगरी में दिखेगी, उस सेपरेट कैटेगरी का नाम होगा हेल्ड फॉर सेल, और उसका मेजरमेंट होगा, मेजरमेंट एट व्हाट? लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। यार थोड़ा सा इसको लिंक करो इंपेयरमेंट से। इंपेयरमेंट में हम अपनी असेट को इंपेयर करते, उसके लिए कैरिंग अमाउंट को रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करते। रिकवरेबल अमाउंट में हमें दो चीजें होती है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल और वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज का मतलब होता है अगर कंटिन्यूअसली यूज करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल का मतलब होता है कि अगर हम उसको बेच देंगे तो कितना प्राप्त होगा। फिर अगर वो कैरिंग अमाउंट से छोटा होगा तो हम उसका इंपेयरमेंट करेंगे। यहां पर भी वही है, बट यहां पर फर्क इतना है कि हम उसको यूज करना ही नहीं चाहते। हम करना ही नहीं चाहते यूज, भाई क्यों पीछे पड़े हो, नहीं करना है यूज, समझ में आएगी नहीं? और अगर यूज करना ही नहीं चाहते हो तो वैल्यू इन यूज निकालने का मतलब ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या निकाल लो? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, और उसको उसकी कैरिंग अमाउंट से कंपेयर कर लो। अगर कैरिंग अमाउंट से कंपेयर किया, अगर लोअर आया फेयर वैल्यू तो आप उसको फेयर वैल्यू पे दिखाओगे, और अगर लोअर आया कैरिंग अमाउंट तो आप कैरिंग अमाउंट पे दिखाओगे। बट नो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज्ड, नो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज्ड फर्दर। अरे बाप रे, ये क्या है? आज के बाद अब तुम इस असेट को, नॉन करंट असेट को, या इस डिस्पोजल ग्रुप को कभी डेप्रिशिएट नहीं करोगे। सर क्यों? You are saying, you are holding it for the sale purpose. तो बेचना भाई, और obviously तू बेचने की कोशिश कर रहा होगा तो तू तो बेच ही देगा ना उसको 6-8 महीने में।
कौन सा उसको 6 6 साल तक रखा रहेगा? अगर तुम्हारा इंटेंशन है उसको 5 6 साल तक रखना, तो डेफिनेटली तुम्हारा इंटेंशन सेल करने का नहीं होगा। कहीं तुम्हारे माइंड में होगा कि नहीं नहीं यार, आई कैन रिकवर इट्स कैरिंग अमाउंट फ्रॉम इट्स कंटिन्यूइंग यूज ऑल्सो, बट आई एम नॉट श्योर। सो इफ यू आर नॉट श्योर, डोंट चार्ज इट, डोंट कैटेगराइज इट एज हेल्ड फॉर सेल। ओनली एंड ओनली वेन यू आर श्योर दैट यू आर गोइंग टू सेल दिस असेट, देन दिस असेट विल बी कैटेगराइज अंडर हेल्ड फॉर सेल। एक बार एक असेट हेल्ड फॉर सेल कैटेगरी में आ गई, डिस्पोजल ग्रुप हेल्ड फॉर सेल कैटेगरी में आ गया, तो उसके बाद उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे, और उस असेट को हमेशा बैलेंस शीट डेट पर उसकी कैरिंग अमाउंट, मतलब जो भी वैल्यू पर वो कैरी हो रही है, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल विच एवर इज लेस पर शो करोगे। फॉर एग्जाम्पल, पहली बार एक असेट हेल्ड फॉर सेल कैटेगरी में डाली, उसका कैरिंग अमाउंट था 50 लैक्स, फेयर वैल्यू था 45 लैक्स, तो हमने उसको 45 लैक्स पे दिखाया, 5 लाख पीएनएल में डाल दिया, ठीक है ना। अब वो किस पे दिख रही है, 45। अब 45 हो गई उसकी कैरिंग अमाउंट। अगला बैलेंस शीट आया तो हमने उसका कैरिंग अमाउंट दिखा, तो कैरिंग अमाउंट कितना था, 45, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो लगा ही नहीं होगा। और हमने उसका फिर से फेयर वैल्यू निकाला अगले, मतलब कुछ टाइम बाद फेयर वैल्यू हो गया उसका 40, तो अब किस पे दिखाएंगे, 40 पे, 5 को कहाँ डालेंगे, पीएनएल में। तो बेटा पॉइंट ये है, डेप्रिसिएशन लगाने का कोई मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि जब जब आप उसको बैलेंस शीट डेट पर कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल करोगे, विच एवर इज लोअर करोगे, तो अपने आप उसकी वैल्यू गिर के, अगर गिरनी होगी तो अपने आप उसकी वैल्यू गिर के पेंडल में आ जाएगी। देयर इज नो नीड टू चार्ज डेप्रिसिएशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स। समझ में आएगी नहीं, आई थिंक शायद समझ में आ गया होगा। सो नॉन करंट असेट्स हेल्ड फॉर सेल और डिस्पोजल ग्रुप, एंटिटी डिसाइड टू होल्ड इट फॉर सेल और डिस्पोज ऑफ, सेपरेट कैटेगरी बनानी पड़ेगी, हेल्ड फॉर सेल कैटेगरी, मेजरमेंट होगा लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल, नो डेप्रिसिएशन, और अगर लोअर में जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे, ठीक है। दिस वॉज द केस फॉर नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल। इसमें मैंने आपको दोनों चीजें बता दी, सेपरेट कैटेगरी मतलब यहां पर प्रेजेंटेशन आपका सेपरेट होगा हेल्ड फॉर सेल, और उसका मेजरमेंट मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको दोनों चीजें बता दी, मतलब ऐसी असेट जो कि हेल्ड फॉर सेल है उसका प्रेजेंटेशन अलग और उसका मेजरमेंट इस टाइप से। बट एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, मेजरमेंट कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, उस असेट का इस टाइप का मेजरमेंट नहीं होगा अगर वो आपकी डीटीए होगी तो, अगर वो आपकी फाइनेंशियल असेट होगी जो कि इंड एएस 109 में आती है, अगर वो आपकी इंप्लॉई रिलेटेड असेट हुई तो, जो कि इंड एएस 19 में आती है, अगर वो आपकी बायोलॉजिकल असेट हुई तो, जो आपके आपके 41 में आती है, इन सबको आप कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल पे शो नहीं करोगे, क्योंकि इनका ऑलरेडी इनके खुद के स्टैंडर्ड्स में बताया गया है कि मेजरमेंट कैसे होता है। मैक्सिमम का मेजरमेंट फेयर वैल्यू के अकॉर्डिंग ही होता है, तो इसके रिकॉर्डिंग अगर होगा तो इन असेट्स को नॉन करंट असेट्स हेल्ड फॉर सेल बोलेंगे तो सही, सेपरेट कैटेगरी में भी डालेंगे, बट इसका मेजरमेंट ऐसा नहीं होगा, मेजरमेंट रूल्स ऐसी असेट्स पर नहीं लगेगा। समझ में आई बात, एक दो असेट्स और हैं जो पढ़ने पर अपन समझ जाएंगे। अच्छा जी, ये तो समझ में आ गया, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, नॉन करंट असेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिस्कंटिन्यूड ऑपरेशन। नॉन करंट असेट क्या होता है, हमने ये पढ़ा करंट असेट जो ना हो वो नॉन करंट असेट होता है। दूसरा, डिस्कंटिन्यूड ऑपरेशन क्या होता है, सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस और जोग्राफिकल एरिया, सब्सिडरी वगैरह अलग अलग, जिसको आपने डिस्कंटिन्यू कर लिया या फिर जिसको आप हेल्ड फॉर सेल करके रख के बैठे हो। आप किसी भी असेट को या डिस्पोजल ग्रुप को हेल्ड फॉर सेल कब बोलोगे, जब आपको पता हो कि आप उसके कैरिंग अमाउंट को रिकवर नहीं कर पाओगे उसके कंटिन्यूइंग यूज से, आप उसके कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पाओगे, रादर आप उससे सेल करके ज्यादा कैश फ्लो जनरेट कर लोगे। तो एक बार अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि आप उसको होल्ड कर रहे हो, हेल्ड फॉर सेल, हेल्ड फॉर सेल के लिए आप रख रहे हो, तो आप उसका कैटेगरी चेंज करके हेल्ड फॉर सेल कैटेगरी में ले आओगे। बट यहां वो कैटेगरी में तभी आएगी जब कुछ कंडीशंस फुलफिल होंगी, वो कंडीशंस अभी हम पढ़ने वाले हैं। कंडीशन मोटा मोटा यही है कि हेल्ड फॉर सेल कैटेगरी में तभी आएगी जब वेन यू आर श्योर, अल्टीमेटली वेन यू आर श्योर कि यू आर गोइंग टू सेल इट। एक श्योरिटी वाला फंडा है, अब श्योरिटी वाले फंडे को उन्होंने कंडीशंस में कैसे डाला है वो हम पढ़ेंगे। फिर उसका मेजरमेंट होगा लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट,
एग्जिस्टेड और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, अगर कुछ डिफरेंस आया तो पेंडल में ज्यादा रहेगा, क्योंकि आप बार बार उसको ऐसा वैल्यूएशन करते रहोगे तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं, क्लियर है कि नहीं? अब आते हैं वापस से डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। सर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का क्या करना है? डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन इसका क्या करना है सर? अरे भाई तुम्हारी एक ब्रांच नहीं चल पा रही थी, तुमने उसको बीच में ही साल के बीच में डिसकंटिन्यू कर लिया। तुम्हारी एक सब्सिडरी नहीं चल पा रही थी, तुमने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, किसी और को भेज दिया, ऐसे हो गया डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। इंडेज कहता है कि इस डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस सेपरेटली फाइंड आउट करके निकालो, सेपरेटली उसको शो करो, सेपरेटली शो अंडर SPL स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जब तुम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे ना, तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से रिलेटेड रेवेन्यूज, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से रिलेटेड खर्चे आप अलग से शो करके उसका अलग से प्रॉफिट दिखाओ, ताकि यूजर शुड नो दैट इस कंपनी में कुछ ऐसे ऑपरेशन थे जो कि साल भर में डिसकंटिन्यू हुए और उनसे हमें इतना नुकसान या इतना फायदा हुआ था। आई बात समझ में? अगर आपको यकीन ना आ रहा हो तो मैंने बिल्कुल फर्स्ट और सेकंड क्लास में बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट पर भी डिस्कशन किया था, फ्रेमवर्क, उसमें आपके पेज में इसमें मिल जाएगा बेटा नोट्स, अगर आपके पास है, वेट, आपके पास अगर नोट्स हैं तो आप उसी बुक में ही पेज नंबर 37-8, आप पेज नंबर 39 ओपन करो, आपको समझ में आ जाएगा। 39-40 में आपको दिख जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट है, उसमें सबसे नीचे नीचे प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन और उसके नीचे प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, ऐसे करके दिखाया है। तो ये क्यों दिखाया है? ये दिखाया है इंडेस 105 के चक्कर में। इंडेस 105 बोलता है कि जो ऑपरेशन आप डिसकंटिन्यू कर रहे हो उसका प्रॉफिट और लॉस सेपरेटली शो करोगे। समझ में आई मेरी बात? हाँ आ तो गई होगी, क्लियर हुआ कि नहीं बेटा? ठीक है, तो पेज नंबर 38-39 को आप याद रखिएगा और बल्कि रिफर कर लो अपने इधर ही 105 में। चलिए अब बात करते हैं डिस्कंटिन्यूड ऑपरेशन की, हमने बात कर ली गाइस। इसका प्रेजेंटेशन मैंने आपको बता दिया कि अगर ये कोई असेट है, ऐसी कोई असेट है जिसका जिसको आप नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल कैटेगरी में डालने वाले हो या डालना चाहते हो, तो उसका इस तरीके से मेजरमेंट होगा और प्रेजेंटेशन होगा। अब आते हैं मुद्दे पे, इसकी क्या कंडीशंस है, मतलब ऐसा क्या हुआ जो आपको लगा कि, मतलब ऐसा कब आप उसको हेल्ड फॉर सेल कैटेगरी में डालोगे, ऐसा कब डालोगे? जब सर श्योरिटी हो। अब इस श्योरिटी को कंडीशन फॉर्म में पढ़ते हैं। दो कंडीशन यहां पर आपकी होनी चाहिए फुलफिल। दो कौन सी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए? दो कंडीशन कौन सी फुलफिल होनी चाहिए? अगर आप किसी नॉन करंट असेट या डिस्पोजल ग्रुप को कौन सी कैटेगरी में डालना चाहते हो, हेल्ड फॉर सेल कैटेगरी में डालना चाहते हो, तो इसके लिए आपकी नॉन करंट असेट मस्ट बी रेडी टू सेल, रेडी टू सेल। आप इसको दूसरी भाषा में बोलोगे इमीडिएट सेल, इमीडिएट सेल। अगर आप उसको हेल्ड फॉर सेल कैटेगरी में डालना चाहते हो तो पहले आप अपनी असेट की पोजीशन चेक कर लो, क्या आपकी असेट ऐसी है जिसको आप इमीडिएटली सेल कर दोगे। इमीडिएटली, इट मस्ट बी, इट मस्ट बी रेडी टू सेल, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, इट मस्ट बी रेडी टू सेल। बोलो बेटा ऐसा है क्या, ऐसा कर सकते हो क्या? अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बिल्डिंग है, मेरे बिल्डिंग में कुछ टेनेंट्स, मैंने बिल्डिंग को किराए पर दिया हुआ है और सालों से किराए पर दिया हुआ है, मेरे बाप दादा के जमाने से वो बिल्डिंग किराए पर चल रही है, अब वो बिल्डिंग मेरे नाम पर आ गई है। नाउ आई वॉन्ट टू सेल दिस बिल्डिंग, क्या मैं उस बिल्डिंग को हेल्ड फॉर सेल कैटेगरी में डाल दूं? जब मैंने सिचुएशन देखी तो मैंने देखा कि जो टेनेंट है, मतलब जो किराएदार है, वो इतने पुराने हैं और हमारे उनके साथ इतने अच्छे संबंध हैं कि जब तक मैं उनको कोई दूसरा प्रिमाइस नहीं प्रोवाइड कर देता, आई कैन नॉट सेल इट। इवन डिस्प्यूट भी अराइज हो सकता है, देयर इज अ सिचुएशन की डिस्प्यूट अराइज हो जाएगा, इमीडिएट सेल हो पाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जब तक मैं वहां के टेनेंट्स को कोई सेपरेट प्रिमाइस पे शिफ्ट नहीं कर देता, तब तक मैं इसको सेल नहीं कर पाऊंगा, तो मैं कह ही नहीं सकता हूं कि इट इज रेडी टू सेल। नो, इट इज नॉट रेडी टू सेल। समझ आया कि नहीं? मेरे पास एक प्लॉट है,
मेरे पास एक प्लॉट है, बिल्कुल पॉश कॉलोनी में एक प्लॉट है, कटिंग किया हुआ है, डेवलप्ड प्लॉट है, आई वॉन्ट टू सेल इट टू समवन एल्स, क्या मैं उसको हेल्ड फॉर सेल कैटेगरी में डाल सकता हूं? यस, प्लॉट है, इट इज रेडी टू सेल, बट वही प्लॉट जहां पर बहुत सारा काम होना बाकी है, वो प्लॉट प्लॉट सेल होने की कंडीशन में ही नहीं है। कम से कम उसको 6 महीने लगेंगे सेल होने की कंडीशन में लगने के लिए। प्लॉट पे बहुत ज्यादा काम करना बाकी है, क्योंकि बारिश होने के कारण वो पूरा प्लॉट का जो सरफेस था, लैंड था, वो पूरा उबड़ खाबड़ हो चुका है, वो बिल्कुल स्कैटर्ड है। आई बात समझ में कि नहीं? तो ऐसे केस में भी मैं बोलूंगा नॉट रेडी फॉर सेल। क्लियर है बेटा? मेरे पास एक मशीन है जिससे मैं प्रोडक्शन करता हूं, जिससे मैं प्रोडक्शन करता हूं, मेरे पास एक मशीन है जिससे मैं प्रोडक्शन करता हूं, ठीक है ना? नाउ मैं पैकिंग मटेरियल बनाता, मतलब मैं मटेरियल्स को पैक करता हूं, वो मेरी पैकिंग मटेरियल वाली मशीन है, मतलब पैकिंग करने की मशीन है। मुझे कई सारे ऑर्डर्स मिले हैं उनके प्रोडक्ट्स को पैक करने के, और वो कुछ मेरे पास इनकम्प्लीट ऑर्डर्स अभी भी पड़े हुए हैं। जब तक मैं वो मैं ऑर्डर्स को कंप्लीट नहीं कर लेता, मैं असेट को नहीं बेच पाऊंगा। मैं नहीं चाह रहा हूं मैं अपना कमिटमेंट फेल करूं। द मशीन इज नॉट रेडी टू सेल। बट अगर मान लो मैं जिसको बेचना चाहता हूं वो मेरे इनकम्प्लीट ऑर्डर्स को फुलफिल कर लेगा, तो यस आई कैन सेल इट विदाउट कंप्लीटिंग एनी ऑर्डर, तो रेडी फॉर सेल, रेडी टू सेल। सो बेटा ये सब चीजें जरूरी है। तो इसीलिए किसी भी नॉन करंट असेट और डिस्पोजल ग्रुप को आप हेल्ड फॉर सेल कैटेगरी में कब डालोगे? व्हेन द असेट मस्ट बी रेडी टू सेल, मस्ट बी अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल। और दूसरा कंडीशन, अरे भाई तुम तो चाहते हो कि बेचना है, तुम तो बिल्कुल जोर लगा रहे हो कि बेचना ही बेचना है, कुछ भी हो जाए बेचना है। सॉरी, तुमने तो जोर लगा लिया है, तुम तो इंटेंशन रख के बैठे हो। यहां पर है आपका इंटेंशन और आपकी सिचुएशन बिल्डिंग और मशीन की, बट क्या एक्चुअली तुम्हारी असेट बिकने लायक है कि नहीं, या तुम्हारे जो सेल तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो वो क्या सेल हो जाएगा कि नहीं? सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल, सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल। सर ये हाईली प्रोबेबल का मतलब क्या होता है? प्रोबेबल का मतलब हो, आपने पढ़ा था पीसीसी इंटरमीडिएट में, मोर लाइकली देन नॉट, ना होने से होने के चांसेस ज्यादा हैं। मोर प्रोबेबल के मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबल मतलब ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि सेल होके रहेगा। सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल। अब सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल मतलब जहां पर आपको पता है कि आपकी सेल ट्रांजैक्शन कैरी आउट हो ही जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? सर कब कह सकते हैं कि जब हमारा सेल हो जाएगा? जब हो सकता है आपने किसी थर्ड पार्टी के साथ कमिटमेंट कर लिया हो, एग्रीमेंट कर लिया हो, दैट मींस कमिटमेंट। दूसरा, या तो फिर आपने बायर ढूंढना शुरू कर लिया हो, मार्केट में एडवर्टाइजमेंट दे दिया हो, माउथ पब्लिसिटी कर लिया हो, या फिर आपकी आप ये कह रहे हो कि आपकी असेट का मार्केट इतना एक्टिव है कि आए दिन उस असेट के बायर सेलर बायर्स मिलते रहते हैं। योर असेट इज हाईली मार्केटेबल, लाइक कार, फोर व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल्स, बिल्डिंग्स, जनरल केसेस में ऐसा। सो हाईली प्रोबेबल कब बोलोगे? सेल इज हाईली प्रोबेबल कब बोलोगे? जब आपका कमिटमेंट हो चुका हो किसी पार्टी के साथ। कमिटमेंट नहीं भी हुआ है पर आपने एक्टिवली असेट को बेचने का कोई ना कोई प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हो, आप आए दिन कुछ ना कुछ माउथ पब्लिसिटी कर रहे हो, कहीं पे एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो, वगैरह वगैरह। या फिर आपकी असेट का मार्केट बहुत एक्टिव है जहां पर बायर्स मिलते रहते हैं, जैसे कार्स हो गई, सेकेंड हैंड कार्स हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, वगैरह वगैरह। आई बात समझ में कि नहीं? या फिर जहां पर आप श्योर हो कि आप विद इन 1 ईयर आप अपनी एसेट को बेच ही डालोगे। विद इन 1 ईयर यू कैन सेल इट इन एनी सिनेरियो, और कोई चेंजेस नहीं होंगे आपके इंटेंशन में, आपका इंटेंशन नहीं बदलेगा, उसको बोलेंगे सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल। आया बेटा बात समझ में? अब मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई हैं, इतनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं ये सब, इतनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, मैंने आपको एक वर्ड आपको बुक में से नहीं पढ़ाया। क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि आप पूरा कॉन्सेंट्रेट करो मेरे शब्दों पे, जो जो मैंने आपके सामने सिचुएशन रखी है। जब आप इन चीजों को कंपाइल करके
बुक में से पढ़ोगे, जो बुक मैंने आपको प्रोवाइड किया है, या वॉट एवर आप कहीं से भी पढ़ोगे इस इंडेक्स को, ऐसा तो है नहीं कि कंटेंट बदल जाएगा, सिर्फ सिंप्लिसिटी, कंटेंट की सिंप्लिसिटी आपको कहीं कुछ ज्यादा कहीं कुछ कम मिलेगी। तो जब आप उसको पढ़ोगे तो यू विल रियलाइज कि हाँ यार, अब उसको हम उतना लिंक कर सकते हैं, जो हमने सुना सर से हमने उसको लिंक कर पा रहे हैं। सो गाइज राइट नाउ हम इस टॉपिक को ओवर करते हैं, अगली क्लास में हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, बुक में से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इन द नेक्स्ट क्लास वील ट्राई टू कंप्लीट दिस टॉपिक अच्छे से। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज।